भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि आपदा में अवसर खोजने वाला बुद्धिमान और महान होता है। इसी आपदा में अवसर की एक बड़ी मिसाल है बेहद गरीब इंसान से अरबपति बने कुंवर सचदेव। कुंवर सचदेव की सफलता की पूरी कहानी को आपको ध्यान से सुनना चाहिए। कुंवर सचदेव का जीवन कैसे एक आपदा ने पूरा का पूरा बदल दिया, इससे आपको जानकर हैरानी होगी और आप जरूर कहेंगे कि अरे वाह, आप भी इसी तरह की कहानियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए बात करते हैं कुंवर सचदेव के आपदा में अवसर वाले किस्से की। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन कभी कभी अचानक हुई दुर्घटना भी किसी नई ईजाद को जन्म दे देती है। भारत के इन्वर्टर मैन कहे जाने वाले कुंवर सचदेव के बेटे को एक दिन इन्वर्टर से करंट लग जाता है। इस घटना ने जहाँ एक और पिता कुंवर सचदेव को बुरी तरह झकझोर दिया, वहीं इन्वर्टर व्यवसाय से जुड़े इस उद्यमी को एहसास हुआ कि इन्वर्टर की बॉडी प्लास्टिक की होनी चाहिए ताकि कभी भी किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो पाए। इसी घटना के बाद वर्ष 2000 में अपने ब्रांड सुकैम के तहत प्लास्टिक बॉडी वाले इन्वर्टर बनाने की शुरुआत उन्होंने की। यह वही कुंवर सचदेव हैं जो कभी अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए बसों में और घर घर जाकर पेन बेचते थे और बाद में विभिन्न व्यवसाय करते हुए अपने मजबूत इरादे और मेहनत के बल पर भारत के पावर बैकअप व्यवसाय का अग्रणी बनकर कामयाबी की इबारत लिख दी। एक मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में 16 नवंबर 1962 को जन्मे कुंवर सचदेव वास्तविक अर्थों में स्वप्न दृष्टि आदमी हैं, जो शुरू से ही एक सफल बिजनेसमैन बनने का सपना मन में पाले हुए थे। पिता रेलवे में क्लर्क थे और उनकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, जिस कारण वे अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से कर पाने में असमर्थ थे। कुंवर अपने दो भाई और माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। चलिए जानते हैं कैसे कुंवर सचदेव ने अपनी कंपनी की शुरुआत की। 1990 के दशक में ग्लोबलाइजेशन के बाद टीवी केबल का बिजनेस काफी चल पड़ा था और अब हर घर को केबल कनेक्शन की जरूरत होने लगी थी। कुंवर ने टीवी के उपकरण जैसे एम्पलीफायर और मॉड्यूलेटर्स बनाने शुरू किए। भारत में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा थी, अक्सर उनके घर का इन्वर्टर भी खराब हो जाता था और आए दिन मैकेनिक के पास जाया रहता था। एक बार जब उनके घर का इन्वर्टर खराब हुआ तो उन्होंने अपनी कंपनी की R&T टीम को बुलाकर ये पता लगाने के लिए कहा कि इसमें क्या खराबी है। तब उन्हें ये पता चला कि बाजार में जो इन्वर्टर आ रहे हैं उनमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कुंवर ने उत्तम क्वालिटी का इन्वर्टर बनाने का संकल्प किया और 1998 में सुकाम पावर सिस्टम नामक कंपनी की स्थापना की। समय के साथ बदलती जरूरतों के संग उन्होंने अपने इन्वर्टर में सुधार जारी रखा और वर्ष 2000 में सुकाम दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो प्लास्टिक बॉडी के इन्वर्टर बनाती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुंवर ने एक केबल कम्युनिकेशन कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में मार्केटिंग की नौकरी की। यहाँ काम करते हुए उन्हें एहसास हुआ कि भारत में बिजनेस के फलने फूलने के लिए काफ़ी गुंजाइशें हैं। फिर क्या था, खुद का व्यवसाय शुरू करने के सपने को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने मात्र 10,000 रुपये से दिल्ली में सुकाम कम्युनिकेशन सिस्टम नाम से अपना केबल व्यवसाय शुरू किया। इस बिजनेस के दौरान उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर मुश्किल से जूझते हुए वो बिजनेस की बारीकियों को सीखने लग गए। कुछ ही वर्षों में कुंवर सचदेव की कड़ी मशक्कत और नवोन्मेषी दृष्टि के कारण सुकाम एक बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनी बन गई। कुंवर सचदेव कहते हैं कि मैं भारत के हर घर को सौर ऊर्जा से संचालित होते देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर व्यवसाय, चाहे बड़ा हो या छोटा, सौर ऊर्जा में निवेश करे और इस प्राकृतिक संसाधन का निर्बाध लाभ उठाए। उन्होंने छोटी कंपनी से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक के लिए सोलर उपकरणों की खोज की है। इन्हीं वजह से उन्हें सोलर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से भी संबोधित किया जाता है। विश्व के पहले प्लास्टिक बॉडी इन्वर्टर का आविष्कार करने के कारण उन्हें इनोवेशन ऑफ द डिकेड का सम्मान मिला। कुंवर सचदेव का पूरा व्यावसायिक जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है। एक वक्त ऐसा भी आया जब कुंवर सचदेव की घरेलू समस्याओं के कारण उनकी कंपनी सुकाम दिवालिया हो गई और बैंकों ने उनके खिलाफ कानूनी मामले दायर किए, जिसे संभालना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। कुंवर कहते हैं, मैंने सुकाम ब्रांड के लिए जो प्रतिष्ठा बनाई थी वो मेरी गलती से एक ही झटके में ख़त्म हो गई। मैं अपने वितरकों डीलरों की मदद करना चाहता था, लेकिन कानूनी पचड़ों में मेरे हाथ बंधे हुए थे। तभी मेरी पत्नी खुशबू सचदेव ने सुवास्तविकता कंपनी की शुरुआत की और तब से कंपनी कर्मचारियों, डीलरों और वितरकों की बहुत सारी सेवाएं और सहायता देने में सक्षम रही है। लोगों के मन में अपने ब्रांड का नाम स्थापित करने के लिए कुंवर ने महंगे विज्ञापन का विकल्प चुनने के बजाय साइन बोर्ड लगाने के लिए ढाबों का विकल्प चुना। इससे कम खर्चे में सुकाम ब्रांड का प्रचार जगह जगह दिखने लगा। उन्होंने श्रीनगर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल डल झील में नावों पर सुकाम का लोगो लगवाया
और सुकाम की अपनी वैन शुरू की, ट्रैफिक बैरियर पर सुकाम की ब्रांडिंग की। कुंवर सचदेव को भारतीय सरकार ने भारतीय शिरोमणि और अनसल्ट एंड यंग का साल के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति अवार्ड से सम्मानित भी किया है। कुंवर के कठिन परिश्रम का यह फल है कि सुकाम आज सबसे ज्यादा मार्केट शेयर करने वाली कंपनी है। कुंवर सचदेव की कहानी सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपने बिजनेस की सफलता की कहानी खुद लिखी है। तो ये कहानी इस बात को साबित करती है कि हमारे सामने आई किसी भी आपदा में से हम अपने भविष्य के लिए अवसरों को खोज सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।